दोस्तों, अगर आपके ही फ़ोन में प्ले स्टोर नहीं चल रहा, ओपन करने पर आपको ये दिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पर आपका जो इंटरनेट है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप ये कैसे सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको ये सही करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बैक आ जाना है अपने प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऐप्स, आपको इस पर क्लिक करना है। हो सकता है आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन मैनेजर के नाम से भी हो सकता है, तो सिंपली यहाँ पर आपको इसी पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे ऊपर ऐप मैनेजमेंट। हो सकता है आपके फ़ोन में मैनेज ऐप्स के नाम से आए, तो यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में मैनेज ऐप्स के नाम से आता है तो उस पर क्लिक करना है। अगर ये ऐप मैनेजमेंट के नाम से आता है जैसे कि मेरा आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको अपने प्ले स्टोर को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो हमारा प्ले स्टोर है यहाँ पर हमें मिल चुका है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको करना है इसका स्टोरेज क्लियर। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टोरेज यूसेज, आपको यहाँ क्लिक करके इसका स्टोरेज जो है क्लियर करना है। इस तरह से डाटा भी आपको इस तरह से क्लियर करना है, और ये दोनों करने के बाद आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाटा यूसेज है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डाटा, आपको ये डाटा के नाम से भी मिल सकता है, और यहाँ पर ये मेरा आ रहा है डाटा यूसेज, तो यहाँ पर आपको डाटा यूसेज पे क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों ऑप्शन में से अगर आपका एक भी ऑप्शन ऑफ रहेगा, वो सॉरी ऑन रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये डिसेबल मोबाइल डाटा, ये आपका ऑन है, आपको इसे ऑफ़ करना है। इस तरह से डिसेबल वाईफाई, आपको इसे भी ऑफ करना है। कुल मिला के इन दोनों सेटिंग को आपको ऑफ ही रखना है, अगर ये ऑन है तो ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा हो रहा है, आपको भी ये इस तरीके से ऑफ़ करनी है दोनों सेटिंग को। और ये करने के बाद अब यहाँ पर आपको बैक आना है, आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, यानी कि स्विच ऑफ करके ऑन करना है, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, अब ये आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना है।